हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक 4 साल के बच्चे का हाफ स्वेटर, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा इजी भी है उसको बनाना। तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसा हमने बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है एक 4 साल के बच्चे का एक हाफ स्वेटर, जो कि एक फ्रेंड ने मुझे ये इसका पिक भेजा था कि हमें कुछ इस तरह का बना के आप भेजें। तो ये मैंने बनाया है और इसका फुल मेज़रमेंट मैंने आगे आपको दिया है। और इसमें फ्रेंड्स लगी है यहाँ पे 200 ग्राम के करीब यहाँ वूल लगी है इसमें, और ये देखिए इस तरीके से। और इसका मेज़रमेंट और इसका डिज़ाइन मैंने सारा आपको यहाँ पे करके दिया है। और इसके जो ये स्पेशल है, ये है यहाँ पे इसके कंधे, जो कंधों की यहाँ पे कटिंग और ये किस तरीके से यहाँ पे बनाया है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, और आपको ये कैसी लगी मुझे वो ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर चलिए इसको कैसे बनाना है और किस तरीके से, कितने फंदे क्या इसमें हमने किया है, तो वो चलिए आगे हम वीडियो में इसको देखेंगे। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्वेटर आपने देखा उसका मैंने यहाँ पे देखिए, ये अब आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरह से हमने इस हाफ स्वेटर को बनाना है। और ये मैंने यहाँ पे बॉर्डर इसका बनाया हुआ है, और दो उल्टे दो सीधे फंदों का ये बॉर्डर बनाया है यहाँ पर, और डबल धागे से मैंने यहाँ पे नीचे ये बॉर्डर जो है वो स्टार्ट किया है। डबल बॉर्डर है ये। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, इस बॉर्डर में ना मैंने यहाँ पे नीचे रखे हैं 76 फंदे, और ऊपर मैंने यहाँ पे कर दिए हैं ये 80 फंदे, यानी 80 फंदे मैंने यहाँ पे ऊपर कर दिए हैं और 76 फंदे यहाँ पे नीचे बॉर्डर में रखे हैं। बॉर्डर जो है वो 10 नंबर की सिलाइयों से मैंने यहाँ पर बनाया है, और ये वूल जो है ना, ये थोड़ी सी थिक वूल है। और ऊपर मैं यहाँ पे इसमें 8 नंबर की सिलाइयाँ जो है वो यूज़ कर रही हूँ। वूल मैं यहाँ पे ये आपको दिखा देती हूँ, ये गंगा की जो है ना, गंगा की ओलिविया है, ये एक्रेलिक वूल है, इसको मैं यहाँ पर इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो ये फिर अब हम इसमें ना एक डिज़ाइन सेट करेंगे, जो भी आपने उसमें देखा है, तो वो डिज़ाइन मैं अभी आप यहाँ पर आपको सेट करके दिखाती हूँ। और बॉर्डर के बाद मैंने यहाँ पे एक उल्टी सिलाई इसमें बना ली है, जो कि जिसमें जो मैंने फंदे बढ़ाने थे, 4 फंदे मैंने उसमें बढ़ा लिए हैं। तो ये एक सिलाई हमने यहाँ पे लगा दी है। तो अब हम इसकी सीधी साइड से हैं, और यहीं से हम इसमें जो डिज़ाइन है वो सेट करेंगे। तो जो केबल मैं इसमें डालने वाली हूँ उसका डिज़ाइन मेरे चैनल पे है, और वो यहाँ पर भी मैं आपको डाल के यहाँ पे दिखा दूंगी। तो फिर चलिए इसको अब बनाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, और उसके बाद हमने यहाँ पर 14 फंदे आगे इसके समेत हमने यहाँ पे 15 फंदे जो हैं वो सीधे सीधे बुनने हैं। तो 15 स्टिच जो है हमने यहाँ पे सीधे सीधे बुनने हैं। तो 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 15, यानी 15 फंदे जो हैं, 15 फंदे हमने यहाँ पे सीधे सीधे बुने। अब उसके बाद देखिए आगे धागा अपनी साइड को करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे यहाँ पर, उसके बाद धागा हम पीछे करेंगे। अब यहाँ पे 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 फंदे हमने यहाँ पे सीधे बुन दिए। अब धागा अपनी साइड को करेंगे और 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब यहाँ पर आगे धागा फिर पीछे करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे उल्टे ये सीधे सीधे फंदे आ रहे हैं ना, इनको हमने कैसे करना है। अब आगे हम थोड़ा सा डिज़ाइन और देंगे यहाँ पर। तो ये जो 2 फंदे हैं, इनको आपस में हम ट्विस्ट करेंगे यहाँ पर, तो इस तरह से ये ऐसे लेंगे और इसको इस तरह से ले लेंगे। अब इनको हम बुन लेंगे। ये आप डिज़ाइन जो है ना, इसी अगर नीचे से बॉर्डर ऐसा है तो ही यहाँ पे ये डिज़ाइन जो है थोड़ा सा सेट हो सकता है। तो ये देखिए, ऐसे हमने इनको ट्विस्ट करके 2 सीधे बुन दिए। अब आगे धागा अपनी साइड को करेंगे, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, यही हम आगे रिपीट करेंगे यहाँ पर सेम। तो यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से ले लेंगे इन दोनों को ऐसे करके। ये देखिए ऐसे ट्विस्ट हो गए, फिर धागा अपनी साइड को करेंगे, 2 फंदे
उल्टे, फिर ये दो सीधे फंदे हैं, इनको फिर उसी तरह से पहले फंदे को हम यहाँ पे ऐसे बना लेंगे और इस तरह से दूसरे को भी बना लेंगे। तो ये ट्विस्ट हो गया। उसके बाद दोबारा दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे यहाँ पर, और ये आगे के जो दो फंदे हैं उनको भी हम इसी तरह से ट्विस्ट करेंगे। फिर आगे दो उल्टे फंदे हैं उनको हम दो को उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे यहाँ तक आगे ये हमारे केवल के डिज़ाइन हैं, जो केवल हम डालने वाले हैं उसका है ये पैटर्न का सेट। उसके बाद आगे हमने इस पे सेट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी बाकी है। धागा पीछे करेंगे, इन दो को भी हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे, इस तरह से ले लेंगे, दो को आगे पीछे कर देंगे। जो सीधे फंदे हैं उनको आपने इस तरह से सेट करना है, धागा अपनी तरफ को, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे। अब इन दोनों को भी हमने इसी तरह से करना है। और आगे की हमने जो ये चीज़ है ना, ये हमने यहाँ पे जो अपना सेट इस तरफ से बनाया, इसी तरह से हम इस साइड से भी बनाएंगे। यहाँ पे 15 फंदे प्लेन रखेंगे इस तरह से, सीधे सीधे 15 फंदे यहाँ पे बुनेंगे। उसके बाद बीच में केवल का सेट रहेगा, जो केवल हमारी आएगी उसमें 10 फंदे हमारे रहेंगे, और उसके बीच के जो हैं इनको सबको हमने यहाँ पे सेट कर देना है। अब हम आगे अपना जो हमारी केवल का है उसको सेट करेंगे। तो दो फंदे यहाँ पे उल्टे, उसका धागा पीछे करेंगे, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे यहाँ पे सीधे हो गए। अब धागा अपनी तरफ को, दो फंदे उल्टे, अब धागा पीछे। अब यहाँ पे जो बचे हैं हमारे, ये 15 फंदे आगे बचे हैं, इनको हमने यहाँ पर सीधा ही बुनना है सबको। तो ये मैं ऐसे सीधा बुन लेती हूँ जैसे हमने यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे सेट किए थे, वैसे ही उसी तरह से हमने इनको बुनना है। अब फ्रेंड्स देखिए, आगे इसकी उल्टी साइड पे और इसकी सेकंड रो पे, तो जो पहले 15 फंदे हैं उनको हमने उल्टा उल्टा बुनना है यहाँ पर। सिंपल जो सीधी साइड पे सीधे हैं ना, उनको बैक साइड पे उल्टा उल्टा बुनना है यहाँ पे। ये 15 स्टिच हैं हमारे, इनको हमने ये बैक साइड पे भी इसमें थोड़ा काम रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये टोटल 15 स्टिच जो हैं, 15 फंदे जो हैं वो यहाँ पे उल्टे हो गए। अब धागा हम पीछे करेंगे, ये दो फंदे हमने उल्टे बुने थे इस तरफ को, तो इधर को हम इनको बुनेंगे सीधा। देखिए इस तरह से इनको सीधा बुन लिया। अब धागा अपनी साइड को करेंगे, यहाँ पे 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे उल्टे। अब धागा पीछे, दो फंदे सीधे, तो ये हमारे जो केबल वाला डिज़ाइन सेट हुआ है उसके साथ के फंदे हैं ये। अब एक बार दिखना शुरू हो जाएंगे ना, तो ऊपर हम इनको वैसे ही बुनेंगे। अब धागा अपनी साइड को, अब यहाँ पे जो जैसे हमने इधर को बुने हैं, जो यहाँ पे देखिए दो फंदे सीधे हैं वो इधर को दो फंदे उल्टे आएंगे। धागा पीछे करेंगे, ये दो फंदे उल्टे हैं इनको सीधा बुनेंगे, उनको हमने दो उल्टे दो सीधे ऐसे ही बुनना है, दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे दो सीधे। धागा अपनी साइड, दो उल्टे दो सीधे, धागा अपनी साइड, दो उल्टे दो सीधे। यहाँ पे फिर से यहाँ पर ये दो उल्टे, फिर दो सीधे, फिर यहाँ पे दो उल्टे, ये दो सीधे। अब यहाँ पे हम इस साइड भी देख लेंगे कि अभी कितने और बचे हैं ये। तो अब ये लास्ट हम इस तरह से, ये दो उल्टे, अब सीधे दो फंदे हैं, ये केवल वाला हमारा आ गया जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे सेट किया था। बस एक बार ये सेट हो जाएगा ना, तो फिर अच्छे से दिखने लग जाएगा, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये 6 फंदे उल्टे,
धागा पीछे, दो फंदे सीधे और लास्ट में ये 15 फंदे जो हैं, 15 स्टिच जो हैं, ये हमारे टोटल उल्टे आएंगे जैसे शुरू में आए थे उसी तरह से। अब फ्रेंड्स आगे इसकी सीधी साइड पे और तीसरी सिलाई पे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो तीसरी सिलाई है ना वो भी पहली सिलाई जैसी ही बनेंगी। मतलब पहली सिलाई यहाँ पे जो हमने फंदे मोड़े थे हम वो नहीं मोड़ेंगे। तो एक बार मैं शेयर करती हूँ, यहाँ पे जो 15 फंदे हैं उनको तो हमने बिल्कुल वैसे ही बुनना है पूरी स्वेटर में। इनको हमने यहाँ पे ना कुछ कुछ करना है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाना, ये सिंपल प्लेन फंदे हैं हमारे। ये आर्म होल तक हमारे ऐसे ही जाएंगे इसी तरह से। ये 15 फंदे हमारे ऐसे हो गए। अब धागा अपनी साइड को करेंगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब ये 6 फंदे सीधे, दो सिलाइयां लगेंगी इसमें, फिर हम इसमें केवल जो है वो बनाना शुरू करेंगे। यानी एक ये और एक अब उल्टी सिलाई, फिर नेक्स्ट में हम इसको चेंज करेंगे। तो ये हमारी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। चौथी और पांचवी में हमने इसको चेंज करना है। तो दो उल्टे हो गए। अब देखिए ये दो उल्टे दो सीधे फंदे, उल्टे दो सीधे, दो उल्टे दो सीधे, ऐसे करके दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे। ये आपने बस एक बार हमने यहाँ पे इनको ट्विस्ट करना था, वो हमने कर लिया, अब नहीं करेंगे। अब हम इनको ऐसे ही बुनेंगे बीच में। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है बट बहुत सुंदर लगता है बना हुआ। आपने स्वेटर तो देखा होगा, इसका थंबनेल तो अच्छा लग रहा है ये बना हुआ, बहुत ज़्यादा सिंपल और थोड़ा अच्छा बना हुआ। तो इसी तरह से ना ये सारे फंदे हमने इस तरह से ही बनाते हुए जाना है। तो जब आप अगर इस डिज़ाइन को सेट करेंगे ना, तो नीचे से जो बॉर्डर है उसको भी आप उल्टा सीधा ही, दो उल्टे दो सीधे का ही बनाएं, तो ऊपर अच्छी तरह से सेटिंग हो जाती है। और जो फंदे बढ़ाएंगे वो हम साइड साइड पे बढ़ा लेंगे। अगर आपको फंदे बढ़ाने हैं ना तो इस तरफ और इस तरफ फंदे बढ़ा लें, बीच में ना बढ़ाएं, ताकि अच्छी तरह सेटिंग हो जाए हमारी। अब यहाँ पे देखिए ये दो केवल वाले स्टार्ट हो गए, दो उल्टे 6 फंदे सीधे, ये 6 फंदे हमारे सीधे हो गए। धागा अपनी साइड को, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, आगे के 15 फंदे जो हैं, 15 स्टिच जो हैं हमारे, ये सीधे सीधे हैं। आप इनको ऐसे ही सीधा सीधा बुन लीजिए। तो ये हमारे हो गए 15 फंदे और डिज़ाइन की तीसरी सिलाई यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब उल्टी साइड पे जैसे हमने सेकंड रो बुनी थी सेम वैसे ही है, इसमें और कुछ नहीं करना। बस ये 15 स्टिच जो हैं ये हमने उल्टे बुने हैं, बाकी दो ये आपको अब दिख ही रहे हैं, दो यहाँ पे ये सीधे, 6 उल्टे दो सीधे, उसके बाद दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे दो सीधे, इसी तरह से है सेम। फिर इधर को भी वही रिपीट होगा। तो ये आपकी डिज़ाइन की चौथी सिलाई सेम सेकेंड रो जैसी ही है। तो आप इसको बुन लीजिएगा और मैं भी बुन लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब आगे इसकी हम पांचवी सिलाई में। तो यहाँ पे देखिए जो पहले फंदे हैं प्लेन, उनको तो मैं ऐसे बुन लेती हूँ। यहाँ पे देखिए अब दो उल्टे फंदे हैं, ये दो उल्टे फंदे भी आपके ऐसे ही चलेंगे, इनको कुछ भी नहीं करना। देखिए उल्टे फंदे, दो उल्टे फंदे ही चलेंगे हमारे ये आगे तक। अब फ्रेंड्स देखिए ये दो उल्टे फंदे हमारे, ये जो उल्टे फंदे हैं ना, ये 15 फंदों के बाद दो उल्टे फंदे हैं, ऐसे ही चलेंगे पूरे स्वेटर पे। तो जो आगे के 6 फंदे हैं, अब यहाँ पे देखिए 4 सिलाइयाँ आपने बनानी हैं प्लेन, दो सीधी दो उल्टी साइड से, उसके बाद आपने इनको ट्विस्ट करना है। तो ये 6 फंदे हैं इनको हमने ट्विस्ट करना है। तो कैसे ट्विस्ट करेंगे, इनको हम ऐसे निकाल देंगे, जो पहले 3 फंदे हैं उनको हम लेफ्ट वाली सिलाई पर ले लेंगे, बाएँ हाथ वाली सिलाई पर ले लेंगे, और जो पीछे के 3 फंदे हैं उनको दाएं हाथ वाली सिलाई पे ले लेंगे राइट नीडल पे। तो उनको फिर हम ऐसे सिलाई पे दोबारा उतार के इन फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। देखिए ये 6 फंदे हैं, इनको अब हमने सीधा सीधा बुन लेना है यहाँ पर इस तरह से। तो थोड़ा सा ध्यान से आप इनको उतारें ताकि ये गिरे ना, और थोड़ा धीरे धीरे करके यहाँ पे बना लें इस तरह से। तो ये हमारे यहाँ पे ट्विस्ट हो गए, ये आपने पांचवी सिलाई में ट्विस्ट करने हैं। उसके बाद आप धागा आगे करेंगे और दो फंदे आपके ये उल्टे रहेंगे, ये उल्टे ही चलेंगे।
इस तरह से। अभी आगे के जो देखिए, दो उल्टे दो सीधे फंदे हैं यहाँ तक, केबल तक, ये भी आप ऐसे ही बनाएंगे, ये पूरे ऐसे ही चलेंगे हमारे ऊपर तक, कुछ दूरी तक चलेंगे, तो वो मैं आपको आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। तो ये ऐसे ही बुनेंगे हम, दो उल्टे दो सीधे, ये हमारे आगे अब दो फंदे हमने उल्टे बुन लिए यहाँ पर। अब ये आगे हमारे छह फंदे जिनको हमने ट्विस्ट करना है, तो सेम वही रिपीट करेंगे, इस तरह से उतारेंगे छह फंदों को और बड़े ध्यान से लेफ्ट नीडल पे तीन फंदों को, पहले तीन फंदों को ले लेंगे, बाद में राइट पे पिछले वाले तीन फंदों को आगे ले आएंगे ऐसे करके। और अब इन फंदों को फिर से लेफ्ट नीडल पे इस तरह से लेके और फिर इनको हम यहाँ पर सीधा बुन देंगे। आप चाहें तो स्टिच होल्डर का यूज़ भी कर सकते हैं, पर वैसे इजी ही है, ज़्यादा फंदे नहीं हैं, सिर्फ छः ही फंदे हैं, तो आराम से ये हो जाते हैं ट्विस्ट। बस थोड़ा धीरे धीरे ट्विस्ट कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से अब दो फंदे उल्टे और बाकी 15 फंदे सीधे हैं लास्ट में, वो सीधे सीधे ही बुनेंगे हम इनको। अब फ्रेंड्स उल्टी साइड पर आते हैं और सिक्स्थ रो में आते हैं। तो यहाँ सिलाइयाँ गिनने का भी कुछ ऐसा है नहीं है, मतलब सिंपल ही है, जो मैंने आपको केवल बनानी है उसकी सिलाइयाँ मैंने आपको बता दी हैं कि हर पांचवी सिलाई में आपको वो ट्विस्ट करनी है, चार सिलाइयाँ आपको सीधी बुन देनी है, ठीक है, पांचवी सिलाई में आपको ट्विस्ट करनी है। वो उल्टी साइड पे 15 फंदे तो ऐसे उल्टे उल्टे आएंगे, दो फंदे सीधे, एक बार बताती हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने ट्विस्ट किया था, दो फंदे उल्टे। अब धागा अपनी साइड को, अब ये छः फंदे ट्विस्ट किए थे उनको आपने सिंपल उल्टा उल्टा बुनना है और ऐसे ही बुनना जैसे हमने सेकंड रो बुनी थी, दूसरी सिलाई बुनी थी, सेम वैसे ही हमने इनको हर बार बुनना है, बस उल्टे ही जाएंगे ये, सीधी साइड से ही थोड़ा रहेगा चेंज पांचवी सिलाई में और बस फिर ठीक है, सारा ऐसे ही आएगा, बाकी दो उल्टे दो सीधे इसी तरह से चलेंगे हमारे आगे। अब फ्रेंड्स देखिए आगे इसकी सीधी साइड पे और ये 15 फंदे मैंने बुन लिए हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमने अभी उल्टी सिलाई यहाँ पे लगाई ट्विस्ट करने के बाद, उसको आप नहीं गिनेंगे, बाद में आप फिर क्वेश्चन करोगे कि ये कैसे आपने पांचवी में किया। तो अब हमने यहाँ से गिनना शुरू करना है, तो एक सीधी फिर उल्टी फिर सीधी फिर उल्टी, ऐसे आपने चार सिलाइयाँ लगानी हैं, फिर आप सीधी साइड पर आएंगे तो आपने इसको ट्विस्ट करना है। तो अगर आप उसको गिन रहे हैं तो आपकी छठी सिलाई हो जाएगी, सिक्स रो में आप इसको ट्विस्ट करेंगे, अगर आप उसको नहीं गिन रहे हैं तो यहाँ पे पांच सिलाइयों के पांचवी सिलाई में आपने इसको ट्विस्ट करना है। तो इस तरह से देखिए अब हमने सिंपल बुनना है, ये बिल्कुल जैसे फर्स्ट रो बुनी थी वैसे ही हमने इसको बुनना है। तो ये छः फंदे सीधे दो उल्टे और ये जो हैं ये वैसे ही चलेंगे, दो उल्टे दो सीधे करके ही चलेंगे, इनको हमने कुछ नहीं करना। तो ये इसी तरह से अब आगे भी आपने ऐसे ही, मैं भी बना लेती हूँ फिर आगे एक बार और ट्विस्ट करके आपको दिखा दूँगी ये, और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँगी कि ये हमने कितनी दूरी तक इसको, ये जो है इनको कितनी दूर तक हमने इनको बनाना है। अब फ्रेंड्स देखिए आगे हम फिर से यहाँ पे, तो ये हमने पांच सिलाइयाँ बना ली, अब हमने इनको ट्विस्ट करना है छः फंदों को। तो एक बार मैं शेयर कर देती हूँ, तो ऐसे करके उतारेंगे, पहले तीन फंदों को हम पीछे लेके जाएंगे और आगे के तीन फंदों को हम पीछे के फंदों को हम आगे लेके आएंगे, इनको इस तरह से सिलाई पे उतारेंगे और फिर इनको हमने सीधा बुन देना है यहाँ पे इसी तरह से। तो आगे के जो फंदे हैं इनको हमने रिपीट करना है उसी तरह जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं, दो उल्टे दो सीधे करके, ये दो उल्टे फंदे हैं, इसके बाद हम दो उल्टे और दो सीधे इसी तरह से इनको ट्विस्ट करेंगे। देखिए ऐसे करके ये ऐसे आ जाएगा हमारा। तो अब हम बना लेते हैं इनको और फिर उसके बाद हम आपके साथ बाद में शेयर करते हैं कि कितनी बार हमने इसको ट्विस्ट किया और कितना हम इनको बनाएंगे। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ना, ये देखिए अब जब ट्विस्ट करेंगे ना इसको, तो यहाँ पे एक दो तीन चार, अब हम इसको पांचवी बार ट्विस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पांचवी बार ट्विस्ट करने के बाद हमने ना
ये जो हमारे ये उल्टे सीधे फंदे हैं इसके बाद इनको बंद कर देना है। अब इसके बाद हम इसको प्लेन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस बार हम ट्विस्ट कर लेते हैं इनको। ये तो अब आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी है फ्रेंड्स। ये जो दो फंदे हैं उल्टे यहाँ पर, ये हमने दो उल्टे बुनने हैं। ये हमारे ऐसे ही चलेंगे इस केबल के साथ, जो ये केबल चली हुई है इसके साथ दो उल्टे फंदे इधर को हैं और दो उल्टे फंदे इधर को हैं, ये ऐसे ही चलेंगे। लेकिन जो बाकी फंदे हैं ना, इनको हमने अब यहाँ पर एक सिलाई ऐसे उल्टे उल्टे फंदों की बुननी है। ये सारे फंदों पे अब हमने एक सिलाई उल्टी बुन देनी है यहाँ पर इस तरह से, अगले केबल तक जो आगे केबल है उस तक हमने इनको ऐसे बुन देना है। अब हमने ये क्लोज कर दिया। इसके बाद हम सीधे ही सीधे फंदे बुनेंगे, जितने भी बीच में है ना, इन सबको हमने सीधा सीधा बुनना है पूरी स्वेटर में। तो इसके बाद ना फ्रेंड्स, जैसे हमने बाकी नीचे बनाया वैसे ऊपर बनाना है। बस यही जो बीच के लिए ये एक सिलाई देखिए यहाँ पे इस तरह से बीड्स की लाइन आ गई यहाँ पर। ये लाइन जो है इसको अब हमने एक ही लाइन यहाँ पे बनानी है और उल्टी साइड से सारे इनको उल्टे उल्टे ही बुनना है इसी तरह से। तो बाकी अब हमने इसको भी ऐसे ही ट्विस्ट कर लेना है यहाँ पर, और अब हमने इसको आर्म होल की लेंथ तक इसको बना लेना है। तो मैं यहाँ पे ना इसको आर्म होल की लेंथ तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हमने कितना इसको आर्म होल की लेंथ तक हमने इसको बनाया। तो फिर चलिए ये हम बना लेते हैं। यहाँ से हमने अब प्लेन बनाना है, ये उल्टे सीधे फंदे अब हम नहीं बनाने। यहाँ पे सिंपल प्लेन फंदे जैसे हमने ये बनाए हैं वैसे ही हमने बनाने हैं। बस ये दो फंदे जो उल्टे हैं ये हमने बीच में रखने हैं, इधर भी और ये इधर भी, ये दो फंदे उल्टे हैं, बाकी सारे के सारे फंदे आपने सीधे सीधे बुनने हैं। ठीक है, तो इनको मैं ऐसे बुन लेती हूँ, फिर बाद में आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है इसका, ये कंधों तक आर्म होल तक इसकी लेंथ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसका मैं आपको मेजरमेंट भी बताती हूँ यहाँ पे कि इसकी जो मेजरमेंट है ना फ्रेंड्स, ये हम यहाँ पे बना रहे हैं 10.5 इंच मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट किया है। और यहाँ पे बीच में हमारे हैं 30 फंदे, और इसमें मैंने यहाँ पे अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे दोनों साइड, और बीच में हम यहाँ पे ये बटन टेक वाला बना रहे हैं बीच में। तो वो जो आपने थंबनेल में देखा होगा वैसे ही बटन टेक वाला यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने फंदे जो हैं वो डिवाइड कर दिए हैं, बीच में हम बटन पट्टी यहाँ पे रख रहे हैं। बराबर बराबर फंदे मैंने दोनों साइड किए हैं। यहाँ पर 35 फंदे मैंने इधर रखे हैं, 35 इधर रखे हैं, और बीच में ये फंदे जो हैं 10 फंदे ये बटन पट्टी के लिए मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी वूल थिक है और इसमें थोड़े से फंदे मैं यहाँ पे ज़्यादा ही रख 10 इसलिए रख रही हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे, यहाँ पे बटन पट्टी थोड़ी ठीक से दिखे। तो यहाँ पर ये अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं आर्म होल की कटिंग। और लेंथ मैंने ये हमारा 4 साल के बच्चे का है ये स्वेटर, तो इसी हिसाब से मैंने ये लेंथ यहाँ पे ली हुई है। और आप ये देख लीजिए इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन जो है ये सेट हुआ है, ये इस तरह से हमारा ये आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ कि मैंने इसका बैक पार्ट जो है वो भी बना लिया हुआ है। और इसमें ये देखिए हमने यहाँ पर कंधे जो हैं ये साथ में बुने हैं इसके, ये इसका एक स्पेशल चीज़ है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप यहाँ से सीख सकते हैं, ये आप मेरी वीडियो देख के सीख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और इस वीडियो को आप शेयर भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर मैंने यहाँ से पट्टी जो है वो साथ साथ ही इसकी बुनी है, तो वही हम फ्रंट पार्ट में करेंगे और वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी, आपको भी यहाँ पे सिखाऊंगी। तो देखिए ये यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है इसके साथ साथ बुनी हुई, ये देखिए इस तरह से। तो इसकी लेंथ अब बराबर हो चुकी है, तो चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं आगे इसका इसकी कटिंग करना, आर्म होल की कटिंग यहाँ से कैसे करनी है और किस तरह से हमने पट्टी जो है वो साथ साथ यहाँ पे बनानी है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने किस तरह से करना है। वैसे तो हम जो नॉर्मली करते हैं उसमें हम यहाँ पर 4-3-2-1 का ऐसे करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे वो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने देखिए इस फंदे को ऐसे घुमा लेना है और इसके साथ हम एक फंदा और लेंगे इस तरीके से,
तो यहां पे हमने ये दो का एक कर लेना है, ये यहां पर। अब ये एक फंदा हमने यहां पे घटा दिया। अब आप देखिएगा इस फंदे से हम आगे पट्टी के फंदे बनाएंगे जो मैंने बनाए हैं। वहां पे मैंने 6 फंदे लिए हैं तो यहां पर हम 6 फंदे क्रिएट करेंगे। तो ये एक फंदा यहाँ पे हो गया इस तरीके से। अब इस फंदे को हमने छोड़ना नहीं है, इसी से ही एक फंदा और बना लेना है ऐसे करके। अब इसको भी ऐसे लेंगे और ऐसे हम यहाँ पे पिरो देंगे। फिर आप यहाँ पर दोबारा एक फंदा और बनाएंगे। यहाँ पर हमारे 2 फंदे हो गए, अब ये 3 हो गए। ये वाला जो है इसको नहीं गिनना है, इसके साथ 3 हो गए। अब यहाँ पे एक बार और बनाएंगे, ये 4 हो गए। फिर इसको ऐसे पिरो लेंगे, फिर एक और बनाएंगे 5, इसको भी हम ऐसे पिरो लेंगे और एक और बनाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गए हमारे पास 6 फंदे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारे 6 फंदे यहाँ पे बन गए। इसको हम नहीं गिनेंगे इसके साथ, ये देखिए आगे 2, 4 और ये 6, 6 फंदे हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए अपनी बटन पट्टी के, सॉरी आर्म होल की जो पट्टी हमने दोबारा बॉर्डर बनाना है ना यहाँ पे, उसके हैं ये। तो यहाँ पे देखिए अब हमने इनको सीधा सीधा बुनना है इस तरह से। इसका जो बॉर्डर है वो अलग तरह का है इस तरीके से। इन 6 फंदों को हम ऐसे सीधा सीधा बुन लेंगे। तीन 6 हो गए। अब ये जो है हमारा ये बुनाई हुआ था, तो इसके बाद के हम आगे इस फंदे को नहीं बुनना, जिससे हमने घटाई कर ली थी वो हमने बुन लिया था। अब बाकी फंदों को हम ऐसे ही बुनते जाएंगे जब हम जहां तक हमने ये आगे एक मैंने मार्कर लगाया है ना यहां पर, यहां तक हम इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे इसी तरह से। तो ये 6 फंदे, ये जो हमारे यहाँ पे 15 फंदे हमने रखे थे सीधे सीधे, इनको हमने यहाँ पे बुन लेना है। एक फंदा यहाँ पे कम हो चुका है और इनको हम 14 फंदे अब हमारे हमने ऐसे बुन लिए। बाकी डिजाइन है उसको उसी तरह से हमने बनाना है जैसे हम बनाते आ रहे हैं, ये देखिए इस तरह इस तरीके से। तो अभी यहाँ पर नहीं होगा। और ये जो गला है हम यहाँ कंधे की कटिंग के साथ ही, आर्म होल की कटिंग के साथ ही मैं इस गले को यहाँ से शुरू कर रही हूँ ताकि इसकी लेंथ जो है वो अच्छे से आए। यहाँ पर देखिए बाकी फंदे प्लेन हैं यहाँ तक आगे मार्कर तक, तो उसको हम ऐसे बुन लेते हैं इस तरीके से। अभी देखिए हम मार्कर के पास आ गए हैं, तो अब हमने मार्कर को यहाँ से हटा देना है और धागा अपनी साइड को करना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 10 फंदे हैं हमने हमारे आगे, इनको हमने उल्टा उल्टा बुनना है यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पे ये एक फंदा जो है इसको हम ऐसे सीधा बुन लेंगे क्योंकि ये लास्ट में हमारा यहाँ पे थोड़ी अच्छी सी शेप आएगी। तो ये है इसका। अब हमने ये जो मार्कर है इसको भी हटा देना है और अब हम ना एक साइड को ही बुनेंगे। पहले हम ये वाली साइड कंप्लीट करेंगे, इसकी ये साइड कंप्लीट करेंगे, बाद में हम इधर वाली साइड जो है उसको बनाएंगे। तो अब हम यहीं से मुड़ जाएंगे और ये जो हम हमने उल्टे फंदे बनाए हैं उस साइड को, इनको अब हमने पहले फंदे को ऐसे स्लिप करना है और ये 9 फंदे इनको ऐसे जो है सीधा बुनना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 9 9 फंदे हमने सीधे बुन लिए, ये हमारी पट्टी के फंदे हैं। उसके बाद धागा अपनी साइड को करना है और बाकी फंदे जैसे चल रहे हैं डिजाइन के साथ वैसे ही हमारे बनाते चले जाएंगे हम। ये जो सीधे फंदे हैं उनको सीधा सीधा हम यहाँ पे बुनेंगे, ये 2 फंदे उल्टे हैं इनको ऐसे ही बुनेंगे। और आगे मैं आपको कंधे की जो हम पट्टी बना रहे हैं ना उसको भी हम यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देते हैं। अब ये आगे हम इन जो कंधे की जो पट्टी है उसके पास हम आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए ये जो फंदे हैं इनको अब हमने उल्टा बुनना है, उस साइड से हमने इनको सीधा बुना है। तो अब हमने 6 फंदों को ऐसे उल्टा बुन लेना है, लास्ट वाला जो है इसको हम इसे सीधा बुनेंगे क्योंकि
क्योंकि थोड़ी सी शेप आएगी। पांच फंदे हमने उल्टे बुने और एक लास्ट वाला फंदा जो है हमने सीधा बुना, क्योंकि यहाँ पे हमारी चेन जैसी बननी चाहिए किनारे पे। अब हम आ जाते हैं इसकी सीधी साइड पे, यहाँ पे घुमा के, तो इस फंदे को अब हम स्लिप करेंगे ऐसे करके। अब हम इन फंदों को उल्टा बुनेंगे, यहाँ पे जो छह फंदे हैं इनको अब हम ऐसे, पांच फंदे ऐसे उल्टे बुनेंगे। ये इसके साथ हमने घटाई की थी, दो चार और ये पांच, तो ये फंदा जो है हमारा ये इसके साथ हमने घटाई की थी। तो अब हमने धागा पीछे करना है और एक फंदा हमने पहले घटाया था सीधी साइड पे, तो अब हमने फिर इसको ऐसे इन दो फंदों को ऐसे घुमा लेना है और इन दोनों को हमने एक फंदा यहाँ पे घटा लेना है इस तरह से। तो अब आपने फ्रेंड्स यहाँ पे हर तीसरी सिलाई में यहाँ पे एक फंदा कम करते जाना है, और ये फंदे हमने तब तक कम करने हैं जितने फंदे हम अपने जैसे उस पे करते हैं ना, दस फंदे हमारे आएंगे चार तीन दो और एक करके, तो उस इस तरह से ही ये फंदे हमने उसी तरह से घटाने हैं, पर एक एक करके हमने कम करने हैं। गिनती उतनी रखेंगे लेकिन एक एक फंदा जो है इसको घटाते चले जाएंगे और ये पट्टी जो है इसको हम साथ साथ बुनते चले जाएंगे। तो ऐसे ही मैं अब आगे तक बुन लेती हूँ, एक बार आपको बटन पट्टी तक फिर बताती हूँ उसके बाद। अब फ्रेंड्स देखिए आगे हम यहाँ पे बटन पट्टी के पास, तो अब हमने इन ये जो पहले हमने 10 फंदे यहाँ पे उल्टे बुने थे, अब हमने ये फंदे सीधे बुनने हैं। ये भी हम डिजाइन देंगे जैसे हम अपने कंधे वाली पट्टी को दे रहे हैं ना, वैसे ही इसको भी हम डिजाइन देंगे। तो ये 10 फंदे जो हैं इनको हमने सीधे बुन लेना है ऐसे करके। तो ये अब हम सीधे बुन लिए। अब इसकी यहीं से हम मुड़ जाएंगे। अब यहां पर हमने ये जो फंदे हैं, पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और बाकी फंदे जो हैं इनको उल्टा बुन लेंगे इसी तरह से। तो अब हम ये इनको मैं ऐसे बुन लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको कंधे के पास मिलती हूँ जहां पे पट्टी बन रही है। तो फ्रेंड्स देखिए अब आगे हम इसकी आर्म होल वाली पट्टी के पास, तो यहाँ पे अब हमने इन फंदों को सीधा बुन लेना है। उस साइड से हमने उल्टा बुना था ना, तो अब इधर से उल्टी साइड से इनको अब हमने सीधा बुन लेना है। तो अब हमने ना क्या करना है कि ये जो इस तरह से ये जो फंदा है इसको अब हम इसको अब हम नहीं बुनेंगे, क्योंकि ये हम यहाँ पे बीच बीच में शॉर्ट रो देंगे। तो ये जो लास्ट वाला फंदा है इसको अब हम नहीं बुनेंगे, इसको ऐसे उतार लेंगे यहाँ पर। बीच में शॉर्ट रो इसलिए देंगे क्योंकि यहाँ थोड़ी सी शेप आनी चाहिए कंधे की, नहीं तो पूरा बनाएंगे ना तो फिर ऐसे सीधा सीधा ही बनेगा, राउंड शेप नहीं बनेगी इसकी। तो यहाँ पे देखिए एक फंदा हमने नहीं बनाया इस बारी, जब ये सीधी लाइन पे आए। हर बार नहीं करेंगे, बीच बीच में करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे नहीं तो फिर छोटा हो जाएगा। तो अब हमने इसको उतार लिया, अगले फंदे को भी उतार लिया। अब हम यहाँ पे ये फंदे जो है इनको सीधा बुनेंगे, धागा हम पीछे करेंगे। दो फंदे अब हमने नहीं बुने, एक पिछली बार नहीं बुना था, एक इस बार नहीं बुना। अब ये जो चार फंदे बचे हैं इनको आपने सीधा बुन लेना है। यहाँ पे दो लाइनें सीधी आई, अब दो उल्टी आ गई इसी तरह से। अब इनको सीधा बुनेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे हम घटाई डाल रहे हैं ना, तो इस फंदे को ऐसे मोड़ेंगे, दूसरे फंदे को भी मोड़ेंगे। तो अब हमने फिर से यहाँ पे एक फंदा कम करना है इसी तरह से। ये हमारा कम होता जाएगा और यहाँ पे हमारी ये पट्टी भी साथ साथ बनती चली जाएगी। बाकी फंदों को हम जैसे चल रहे थे वैसे ही बुनना है, जो जो भी जैसा डिजाइन आपका है, आप कोई भी डिजाइन यहाँ पे डाल रहे हैं ना तो उसी तरह से आप बना सकते हैं। अब आगे हम बटन पट्टी के पास, तो अब हमने धागा अपने साइड को करना है। अब देखिए यहाँ पे दो लाइनें यहाँ उल्टे की आ गई, अब दो सिलाइयां सीधे की हो गई। अब हम यहाँ पे दो सिलाइयां उल्टे की करेंगे ऐसे करके इसको बनाएंगे। इस तरह से ही हम अपनी ये पट्टी जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब हमने इनको इसी तरह से उल्टे उल्टे फंदों की बनाना है और लास्ट में एक फंदा है इसको हम ऐसे सीधा बना लेंगे इसी तरह से। देखिए तो इसकी शेप भी अच्छी आएगी और डिजाइन भी बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। अब यहीं से हम मुड़ जाएंगे और इसको आप पहले फंदे को तो आप स्लिप कर लीजिएगा, उसके बाद धागा हम पीछे कर लेंगे और यहाँ पर ये जो हमारे नौ फंदे हैं इनको हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे।
ये हमने 9 फंदे यहाँ पे सीधे बुन लिए। अब धागा अपनी साइड को करेंगे, बाकी आगे पट्टी तक जो आर्म होल वाली पट्टी है उस तक हम ऐसे ही बुनते जाएंगे जैसे चल रहा है डिज़ाइन। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आगे हम पट्टी के पास, तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना इनको अब हमने उल्टा ही बुनना है, यहाँ पर उल्टे फंदे बुनना है, लेकिन अब हम इनको लास्ट तक बुन लेंगे। पिछली बार हमने 2 फंदे नहीं बुने थे, इस बार हमने सारे फंदे बुन लेने हैं। धागा पीछे करेंगे, ये वाला फंदा जो है इसको हम सीधा ही बुना करेंगे उल्टी साइड से, ठीक है, इस तरह से। तो ये भी हमारा ऐसे ही बनता जाएगा, देखिए इस तरीके से। अब हम आगे सीधी साइड पे पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और बाकी जो 6 फंदे हैं, ये 5 फंदे हैं सॉरी, इनको उल्टा बुनेंगे। पहले फंदे को पर्ल वाइज ही आपने स्लिप करना है, तो ही आपकी चेन जैसे बन के आएगा, ये देखिए इस तरीके से, 2, 4 और ये 5। धागा पीछे करेंगे, अब हमने यहाँ पे फंदा कम करना है, तो इस तरह से हमने इनको बनाते हुए जाना है, ये देखिए ऐसे फंदे हम कम करेंगे। अब बाकी फंदे हम ऐसे ही बुनते जाएंगे आगे तक, इसी तरह से। तो ये वाली जो शॉर्ट रो है फ्रेंड्स, ये हर बार नहीं बनानी हमने, बीच बीच में हम बनाएंगे। जैसे अभी वापस जाएंगे तो हम नहीं बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए आगे हम बटन पट्टी के पास, तो यहाँ पे 2 लाइनें हमारी उल्टे की हो चुके हैं, अब हम यहाँ पे 2 लाइनें सीधे की बनाएंगे, 2 सिलाइयाँ। तो ये जो 10 फंदे हैं इनको ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे अब हम यहाँ पे एक बटन के लिए होल भी बनाएंगे, तो 2, 4 और ये 6 यहाँ पे इस तरह से। अब इन दोनों को हम ऐसे बुन लेंगे और 2 को एक कर दिया मैंने, अब जाली डाल देंगे यहाँ पे, बाकी फंदे इस तरीके से बुनेंगे। तो एक यहाँ पे देखिए बटन होल बन जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। अब धागा पीछे रखेंगे और इसको मोड़ लेंगे, यहीं से मुड़ जाएंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, बाकी फंदे सारे उल्टे उल्टे बुनेंगे। पहले फंदे को आप अच्छी तरह से टाइट करके लें ताकि आपका ये अच्छे सफाई से दिखे। अब ये जो जाली है इसको आपने उल्टा ही बुनना है, यहाँ पर आपका यहाँ पे एक बटन होल बन गया। दूसरे को हम दूसरी दूरी पे बना लेंगे, एक दूरी देख लेंगे कितनी दूरी तक बनाने का है। तो बाकी हम आगे पट्टी तक इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा बटन होल यहाँ पे बन गया। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, हमने इसी तरीके से बनाना है। आप एक बार थोड़ा दिखने में लग गया ना, अब इधर से देखिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे और फिर इसी तरह से बनाते जाएंगे। चलो थोड़ा और यहाँ पे शेयर कर देती हूँ मैं ये वाली पट्टी में, शायद हो सकता है आपको कन्फ्यूजन रहे। तो इसमें आपने टोटल 10 फंदे जो हैं वो यहाँ पे कम कर लेने हैं, और अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। तो एक एक आप करते जाइए तीसरी सिलाई में, तो इसी तरह से आपके फंदे जो हैं ये कम होते चल जाएंगे और शेप भी है यहाँ कंधे की आ जाएगी। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे पहुँच गए हम, तो ये फंदे मैंने ऐसे सीधे बना लिए। अब ये लास्ट फंदा जो है इसको नहीं बुनेंगे, ऐसे ले लेंगे इसको, इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे और यहीं से मुड़ जाएंगे वापस। अब सीधी साइड पे आगे हैं, तो ये ए फंदा जो है इसको हमने बिना बुने उतार लिया, अब ये वाला भी बिना बुने उतार लिया। अब धागा पीछे करेंगे और फिर से हमने यहाँ पे शॉर्ट रो बनाई है, ठीक है, पिछली सिलाई में हमने नहीं बनाई, अब हमने यहाँ पे बनाई है। तो यहाँ पे अब हमने इनको सीधा बुन लेना है। 2 लाइनें यहाँ पे उल्टे उल्टे की आ गई हैं, अब हम इसको 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बना लेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे फंदा जो है वो कम करेंगे, यहाँ पे देखिए एक फंदा हमने यहाँ पे कम कर दिया। अब इस तरीके से थोड़ी छोटी सी बना लें, फंदे को घुमा के फिर लें, तो इस तरह से देखिए थोड़ी सी शेप में हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा, जो कि आपको मैं एक बार दूसरा वाला दिन दिखा देती हूँ जो मैंने यहाँ पे बना के रखा है ना, तो उसको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे शेप आई है ना इसकी, तो थोड़ी सी शेप आई है। हम जाते जाते ऊपर से फिर यहाँ जैसे ये सब नहीं करेंगे, सीधा सीधा बना देंगे ऊपर को,
बस इतनी दूरी तक ही हम बीच बीच में शॉर्ट रो देंगे। जब सीधी सिलाई में आएंगे तो एक सिलाई यहाँ यहाँ पे दो फंदे जो हैं वो छोड़ेंगे बनाना, यहाँ तक छोड़े हैं मैंने। इसके बाद मैंने सीधे सीधे बना दिए हैं ये ऊपर तक, इसकी लेंथ जितनी चाहिए थी हमें उसी तरीके से। और यहाँ तक देखिए घटाई की है हमने, इतनी इतनी हमने घटाई की है इसकी, बाकी ऊपर हमने इसको सीधा बनाया है। तो इस तरीके से ही हमने इसको बनाना है, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स ये, आप इसको बना सकते हो अब। तो अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप क्वेश्चन करके पूछ भी सकते हैं। तो इस तरह से ही अब मैं बटन पट्टी के पास तक बना लेती हूँ, फिर वहाँ भी एक बार शेयर कर दूंगी, या फिर आप बना लेंगे तो इसी तरह से ना ये इसी तरीके से बनाते जाइए बीच में। अब हमने यहाँ पे एक बटन होल दिया है, अब इसकी दूरी पूरी होने तक थोड़ा सा 1.5 इंच 1 इंच बुनने के बाद आप यहाँ पे फिर एक बटन होल देंगे, और उसके बाद हमने इसके गले की कटिंग भी करनी है, जो राउंड कट होगा ना ऊपर से कॉलर वाला आएगा, बैन आएगा ऊपर से, तो वो उसी तरीके से ये इसकी कटिंग भी होगी। तो मैं वहाँ तक इसको बना लेती हूँ 2 2 इंच के करीब, फिर आपको आगे शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा अब ये आर्म होल की कटिंग से लेके ऊपर तक यहाँ तक ये बन गया है। आप देखिए कितनी अच्छे से शेप आई है ना कंधे की भी, तो इस तरीके से आप भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर ना अब ये देखिए ये 4 इंच यहाँ से हमने इसकी कटिंग स्टार्ट की थी, 4 इंच हमारा ये हो गया है, यहाँ पे देखिए 4 इंच ये यहाँ पर हो गया है गला। और आप इनको भी गिन सकते हैं, जैसे मैंने ये 8 बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 मैंने ये कंप्लीट करी है। अब हम यहाँ से गले की कटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे, ये राउंड नेक में आएगा ऊपर से, तो इसकी कटिंग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से करना है, ये जो ये वाले फंदे हैं ना बटन पट्टी के फंदे जो हैं ये इनको हम नहीं घटाएंगे, हम यहाँ तक बुनेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे कटिंग करेंगे इसकी आगे से। तो इनको ऐसे हम यहाँ पे जैसे ये चल रहे हैं ना उसी हिसाब से हम इनको बुन लेंगे। अब ये इस साइड को उल्टे उल्टे फंदे हैं ना, तो इनको उल्टे उल्टे करके यहाँ पे बुन लेंगे। तो ये 10 फंदे हमने फ्रेंड्स यहाँ पे बुन लिए, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला फंदा हम ऐसे बुनेंगे, उसके बाद एक और बुनेंगे, अब इस फंदे को हम इसके ऊपर से पास कर देंगे इस तरह से। तो ये एक हो गया, आगे फिर से करेंगे, ये हो गया 2 3 और ये 4। तो अब हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे घटाए 4 फंदे, 4 फंदे घटाए, बाकी हम ऐसे ही बुनेंगे आगे तक। अब फिर नेक्स्ट रो में हम घटाएंगे 3, फिर 2, फिर 1 करके इस तरह से इसकी कटिंग जो है हम ये करेंगे। तो ये मैं ऐसे बुन लेती हूँ, फिर दोबारा जब यहाँ पे आऊंगी ना फिर आपके साथ शेयर कर। अब फ्रेंड्स देखिए आगे फिर से यहाँ पे, तो यहाँ से ऐसे मुड़ जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा ये फंदे हमने नहीं घटाने हैं, इनको हम बाद में गले के बॉर्डर में बनाएंगे, साथ में लेके चलेंगे इनको बॉर्डर में, इनको ऐसे रखते हैं ना तो बॉर्डर बहुत अच्छा आता है। ये मैं पहले भी कई वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अब हम आगे फिर से यहाँ पे फंदे घटाएंगे। तो यहाँ से जो पहला फंदा है उसको हमने स्लिप किया, उसके साथ एक फंदा बुना और उसको इसके ऊपर से पास कर दिया। तो ये एक हो गया, अब यहाँ पे ये 2 हो गए और ये 3 फंदे हो गए हमारे, इस तरह से ये 3 फंदे हमने यहाँ पे घटा दिए। अब हम बाकी के फंदे जो हैं उनको ऐसे ही बुनते चले जाएंगे। अब फ्रेंड्स फिर से आगे हम यहाँ पे, तो हमने पहले घटाए 4, फिर 3, अब हम यहाँ घटाएंगे 2 फंदे। तो एक फंदे को स्लिप किया, उसके आगे एक को बुना और इसको इसके ऊपर से ऐसे पास कर दिया। तो एक हो गया और अब ये 2, इस तरह से, और बाकी के फंदों को हम वैसे ही बुनते हैं बुनेंगे जैसे हम बुनते आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स देखिए फिर से आगे हम यहाँ पे, तो अब हमने एक फंदा स्लिप किया, धागा हम पीछे करेंगे क्योंकि सीधे फंदे चले हुए हैं, तो इसके साथ अब हमने एक ही फंदा यहाँ पे कम करना है। तो ये हमारी घटाई जो है गले की कंप्लीट हो गई। अब हमने जितनी लेंथ हमें चाहिए ना उतनी लेंथ हमने इसकी बुननी है, और फिर हम आगे इसको दूसरी साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो इस साइड की लेंथ जो है मैं ये कंप्लीट करूंगी। यहाँ फ्रेंड्स मैंने बैक साइड पे किए हैं 10 फंदे कम और यहाँ पर मैंने किए हैं 12 फंदे कम फ्रंट फ्रंट पार्ट पे।
फ्रंट पे मैंने 12 फंदे कम किए हैं थोड़ी सी शेप अच्छी देने के लिए। दो फंदे यहाँ पे मैंने कम किए हैं, तो वो फंदे मैंने यहाँ पे नहीं घटाए। अब यहाँ पे अगर यहाँ से दो फंदे रह जाते तो मैं वो यहाँ पे भी कम करती। तो यहाँ पे मेरे फंदे जो हैं, देखिए 6 फंदे इसके बचे हैं, और ये मैं आपको काउंट करके ही बता देती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 20 फंदे यहाँ पे टोटल हमारे बचे हुए हैं, जो कि ऊपर, क्योंकि कंधे के ये वाले फंदे भी हमारे ऊपर ही जुड़ेंगे ना, तो टोटल 20 फंदे हमारे पास यहाँ पे हैं। ये तो ये काफ़ी फंदे हैं ऊपर। और अब हम गले की इसकी लेंथ जो है ना, हम अब ऊपर को कंप्लीट करेंगे। ये टोटल हम 7 इंच बनाएंगे, यहाँ से लेके ऊपर तक टोटल 7 इंच हमने इसको कंप्लीट करना है। तो उस जब ये 7 इंच कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा गला भी काफ़ी अच्छे से 3 इंच का यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से अब मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको मिलती हूँ। और फिर इस साइड से भी मैं आपको ये शेयर करूँगी कि यहाँ पे फट्टी जो है वो आगे, ये पट्टी जो है बटन वाली पट्टी, वो कैसे बनानी है उस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये देखो, ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये एक साइड वाला। और दूसरी साइड से अब हम इसके जो है ना फंदे वो उठाएंगे गले की पट्टी के। तो यहाँ से देखिए, ये जितना मेरा, ये देखिए 7 इंच पूरा है। यहाँ से हमने इसको, यहाँ से हमने घटाई शुरू की थी ना, तो यहाँ से यहाँ तक ये 7 इंच है पूरा। और जो जिसके साथ हमने इसको, ये देखिए, इसके साथ भी हमने इसको इस तरह से नाप के ले लिया। आप इनको भी नाप सकते हैं, जो आपके पास ये उल्टी उल्टी सिलाइयों वाली ये पट्टियां बनी है ना, आप इनको भी नाप सकते हैं। मतलब इनको गिन के भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा पूरा हमारा कंप्लीट है यहाँ से, और ये देखिए यहाँ तक। तो अब हमने ना दूसरी साइड से इसको, ये इधर से, अब मैं आपको ये फंदे उठाना एक बार बता देती हूँ। फिर उसके बाद हमने ये, आप इसी तरह से बनाएं जैसे हमने ये वाला बनाया, बस वैसे ही हमने उस तरह बनाना है। सिर्फ हमारा यहाँ पे जब हम गला बनाएंगे ना, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी, गला हमने किस तरीके से उठाना है और कैसा हमने बनाना है। और उसमें हमारा एक जाएगा ऊपर काज, दो यहाँ पे बना लिए होल हमने, और एक हम ऊपर बनाएंगे होल। तो ये हमारा एक साइड कंप्लीट हो गया, अब दूसरा हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले हम इस साइड से ही बनाते हुए हम इस तरफ को गए थे, ठीक है। अब हमने यहीं से ही ना, यहाँ तक हमने बना लिया था। अब यहीं से हम इनको, ये फंदे उठाएंगे और यहीं से हम वापस मुड़ेंगे। तो ये मैंने देखिए यहाँ पे धागा जोड़ लिया है, और फंदे जो है ना फ्रेंड्स, हम यहाँ से उठाएंगे। जो ये उल्टे उल्टे फंदे आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ से ही हम फंदे जो हैं वो उठा लेंगे। अभी देखिए, दूसरी सिलाई से हम उठा रहे हैं ना, तो यहाँ से इस तरह से 1 2 हो गए, 3 ये 4 यहाँ पे, ये 5 6 7 8 ये 9 और यहाँ पर ये लास्ट में जो है ना इसको उठा लेंगे 10। इस तरह से ये 10 फंदे हमारे आगे। अब हमने इनको इसी तरह से ना यहाँ पे उल्टा उल्टा बुन लेना है। दो, तीन, चार, पांच, छः, आठ, नौ और ये 10। तो ये हमने पट्टी के फंदे इसके बैक पे उठा लिए। देखिए, ये पट्टी है आगे को, और उसके बैक पे जो पहली सिलाई है उल्टी उल्टी, वहां से हमने फंदे यहाँ से उठा लिए। तो अब हम इस सिलाई को हटा देंगे और इसी सिलाई से हम फिर इनको बुन लेंगे। अब ये उल्टे फंदे हो गए। अब हमने इनको देखिए, इसी तरीके से आप इनको जैसे हमने पहले बुना वैसे ही हम इनको बुन लेंगे। ये दो हमारी उल्टी सिलाइयां हो जाएंगी यहां पर,
और जो हमने कंधे के लिए पट्टी बनाई है वो हम वैसे ही बना लेंगे जैसे हमने दूसरी वाली पट्टी बनाई, सेम टू सेम वैसे ही। तो अब हमने इनको ऐसे बनाते हुए चले जाना है यहाँ तक। तो फ्रेंड्स देखिए अब हम यहाँ पे पहुँच गए लास्ट में इसके, ठीक है। अब इसमें हमने ये जो लास्ट में दो फंदे हैं इनको हमने दो का एक कर देना है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये पहुँच गए। अब हमने क्या करना है, इस साइड को मुड़ना है और यहाँ पर जैसे हमने दूसरी कंधे पे हमने फंदे बढ़ाए थे ना, आप चाहें तो आप ऐसे फंदे भी बढ़ा सकते हैं इस तरह से, ऐसे करके दो, ये तीन, चार, पांच और ये छः। अब आपने इस तरीके से छः फंदे हमने यहाँ पे बढ़ा लिए। अब इनको हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। थोड़े से ना ये लूज आते हैं, जो दूसरी तरह से हम बनाते हैं वो थोड़े थोड़े अच्छे से टाइट से आ जाते हैं, यहाँ पे लूज आते हैं। पर चलो कोई ना, ये सिलाई में ही आते हैं ये फंदे जो है ना हमारे सिलाई में ही आएंगे, तो कोई बात नहीं, जैसे भी आते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे ही बना लें, इजी है ये बनाना। और वो जो मैंने दूसरी तरह से बनाया वो भी इजी ही है, पर तरीके होते हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पे ये हो गए हमारे पट्टी के फंदे छः, और ये हो गया हमारा जो हमने घटाया वो। तो अब हम बाकी फंदे ऐसे आगे तक बुन लेंगे, फिर हम इसकी घटाई जब दूसरी तरफ से मुड़ेंगे ना तो यहाँ पे फंदा घटाएंगे और पट्टी को हम वैसे बनाते हुए जाएंगे जैसे हमने दूसरी साइड से बनाई, ठीक है। तो अब मैं इसको बना लेती हूँ ऊपर तक, गले की पट्टी भी हमारी वैसी चलेगी जैसी हम आगे बना रहे हैं, और ये आर्म होल वाली पट्टी भी वैसे ही चलेगी। तो आप भी इसको बनाइए, मैं भी बना लेती हूँ, फिर हम गले के लिए आगे आपसे मिलते हैं। गला किस तरीके से हमने इसको उठाना है और कैसे हमने इसका गला बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स अब ये कंप्लीट हो गया, इसका गला भी कंप्लीट हो गया और ये गले की जो पट्टी है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये मैंने ऐसे स्टिच होल्डर पे डाल रखी है इसलिए आगे पीछे है। तो अब हमने ना इसको पिछले जो पल्ला है बैक पार्ट जो है इसका उसके साथ हमने इसको ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे देखिए अब इसके बाद फिर मैं इसको पूरा आपको मेजरमेंट दूंगी जो इसका फाइनल मेजरमेंट होगा। और ये जो है ना हमने ये बनाए हैं हमने 7 इंच, ठीक है, और 10 इंच, 10.5 इंच लेंथ जो है इसकी नीचे रखी है, नीचे यहाँ से यहाँ रखी हुई है। तो अब चलिए इसको फिर जोड़ लेते हैं। तो ये है इसका बैक पार्ट और इसके साथ हमने इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको बता ही दिए थे कि हमारे यहाँ पे कितने फंदे बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी टोटल 20 फंदे हैं ये जो आर्म होल वाली ये पट्टी है उसके साथ, ठीक है। तो दोनों तरफ ये बराबर हैं। तो अब हमने इसके साथ ही ऐसे ज्वाइंट कर लेना है इस तरह से। एक सिलाई हम और लेंगे और यहाँ पर इसको यहाँ से आर्म होल की साइड से हमने अंदर की तरफ को इसको जाना है जोड़ते हुए इधर से इस तरफ को। तो ये देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह से हम इसको करेंगे। ये जो है ना फ्रेंड्स इन दोनों को हम साथ में रखेंगे और यहाँ पर ऐसे करके, तो ये तीसरी सिलाई हम लेंगे और इस फंदे को और सामने वाली सिलाई के इस फंदे को ऐसे हम दोनों को एक साथ लेंगे यहाँ पर, और जो हमारा ये धागा है उसके साथ हमने इसको यहाँ पे एक साथ दोनों को दो का यहाँ पर हमने एक बना लेना है। ये मैं आपको हर स्वेटर पे बताती हूँ फ्रेंड्स, अगर किसी कोई मेरे बिगनर्स फ्रेंड हैं उनको दिक्कत ना हो इसलिए। तो अगर आपको आता है तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब इन दोनों को हमने ऐसे इसके ऊपर से पिछले वाले को अगले वाले के ऊपर से पास कर देना है। अब फिर से एक इस सिलाई से फंदा उठाएंगे, एक सामने वाली सिलाई से उठाएंगे और यहाँ पर दो का हम एक कर देंगे, और फिर इस फंदे को हम उठाएंगे और इसको इसके ऊपर से पास कर देंगे। तो इसी तरीके से ना इन फंदों को हम ऐसे उठाते जाएंगे
और ऐसे ही हमने ये सारे फंदे जो हैं अपने 20 फंदे हैं, ये 20 स्टिचेस हैं, इनको इसी तरह से हमने यहाँ पे वाइंड ऑफ कर देना है। यानी फंदे घट भी जाएंगे और यहाँ पर फंदे जो हैं वो सिलाई जो है स्वेटर की वो भी हो जाएगी एक साथ। और इसमें जो लास्ट में हमारा एक फंदा बचेगा उसको हम गले के फंदों के साथ उसको यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो इसी तरीके से हमने इनको, ये देखिए ऐसे, तो इन सारे फंदों को हम ऐसे ही वाइंड ऑफ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसके कंधे जो है ना यहाँ से ज्वाइंट हो गए बिल्कुल, ये देखिए। और ये आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये देखिए कितने बढ़िया, दोनों तरफ से ऐसे लगता नहीं है ना कि हमने अलग से बनाए हैं, ऐसे लगता है, मतलब ऐसे लगता नहीं है कि एक साथ बनाए हैं, ऐसे लगता है कि अलग अलग ही फंदे उठा के हमने बनाए, जैसे हम नॉर्मली बनाया करते हैं किसी भी स्वेटर का। तो आप भी इस तरह से जरूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये कैसे लगे। और अब हम ना इसका गला बनाएंगे। तो गले के लिए ना मैं यहाँ ले रही हूँ 10 नंबर सिलाई, क्योंकि मैंने नीचे का जो बॉर्डर है ना वो भी 10 नंबर पे बनाया था। तो यहाँ पे मैं 10 नंबर की सिलाई से यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। ये जो है ना एक साइड से हम इस साइड से ये फंदे जो हैं इनको भी सिलाई में ले लेंगे। और उसके बाद ये जितना एरिया है हमारे पास ये वाला, इसमें हम फंदे उठाएंगे। और पीछे के जितने फंदे हैं ये, इनको हम एज इट इज ही सिलाई में ले लेंगे ऐसे के ऐसे ही। तो इस साइड भी और इस साइड भी एक बराबर फंदे उठाएंगे। तो पहले मैं ये उठा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हमने यहाँ पे टोटल कितने फंदे करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे मैंने पट्टी वाले इसमें ले लिए। अब यहाँ से ना हम ऐसे फंदे उठाएंगे, देखिए यहाँ तक हमारे हैं। अब ये जितने हमने जैसे जो फंदे यहाँ पे घटाए हैं उसी तरह से हमने यहाँ पर फंदे जो हैं ऐसे उठा लेने हैं, ठीक है, इस तरह से। बहुत दूर दूर भी नहीं उठाने और बहुत ज्यादा पास भी नहीं उठाने, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गैप लग रहा है ना, तो आप थोड़ा सा नीचे से फंदे उठा लें इस तरह से, यहाँ जैसे। ऐसे करके फ्रेंड्स मैंने इसमें फंदे उठा लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर ये पट्टी के अलावा, पट्टी के फंदे हैं 10, उसके अलावा मैंने यहाँ से यहाँ तक 23 फंदे उठाए, और 23 फंदे ही मैंने इस साइड को उठाए बीच में से। 10 नंबर की सिलाइयाँ हैं और पीछे जितने फंदे थे शायद 40 के करीब फंदे पीछे थे ये। तो 10 नंबर की सिलाइयों से ना ये बिल्कुल सही आ जाएगा, क्योंकि जो पट्टी के फंदे हैं वो तो हमारे बटन के साथ बंद हो जाते हैं, तो उसका कुछ वो नहीं रहता। तो इसलिए अब हमने इसको बनाना शुरू करना है। तो देखिए हमने इसको किस तरह से बनाना है। पहले फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे, धागा हम पीछे करेंगे, और ये फंदे जो है ना इनको सबको हमने उल्टी साइड से, मैं ये सिलाई बुन रही हूँ पहली सिलाई यहाँ पर, और सारी सिलाई हम सीधी सीधी ही बुनेंगे इस तरह से। ये सारी सिलाई हमारी सीधी सीधी जाएगी एंड तक, दूसरी तरफ तक। और इसमें हमने एक बटन होल भी क्रिएट करना है, लेकिन पहले हम यहाँ पे 2-3 सिलाइयाँ बना लेते हैं, फिर हम इसमें बटन होल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से, अगर आपसे कोई भी फंदा ज़्यादा उठ जाता है ना यहाँ पर, तो जब आप ये सिलाई लगाएंगे ना पहली वाली, तो उसमें आप उस फंदे को घटा लें। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा फंदे इसमें हो गए हैं और मेरे से ज़्यादा फंदे उठ गए हैं, तो कोई ना, आप ऐसे करके 2 फंदे एक साथ बना लें और ऐसे आप घटा सकते हैं उन फंदों को पहली सिलाई में, और एक बराबर फंदे आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे सीधा सीधा बुन लेती हूँ एंड तक, फिर आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। अब फ्रेंड्स इसकी एक सिलाई कंप्लीट हो गई।
अब देखिए इसकी सीधी साइड पे आ जाते हैं। तो सीधी साइड पे हमने पहले फंदे को ऐसे पर्लवाइज स्लिप करना है और सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बुनने हैं। इस तरीके से सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ही बुनेंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिए आगे इसकी उल्टी साइड पे हमारी यहाँ पे दो सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब उल्टी साइड पे हम पर्लवाइज ऐसे स्लिप करेंगे पहले फंदे को और सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। अब हम जैसे ये गले की पट्टी बनाई है ना हमने, सेम हम गला भी उसी तरह से बना रहे हैं। अब ये सारे फंदे हम ऐसे उल्टे उल्टे करके बुनेंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ और ये सारा गला मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, फिर आपको दिखा दूंगी कि इसमें कितनी पट्टियाँ हमने बनाई, क्योंकि बहुत सिंपल है तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको ये दिखा दूंगी कि यहाँ पे कितनी पट्टियाँ हमने गले में बनाई, तो उस तरह से आप भी बना लें। और यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट जब आऊंगी ना, मैं इस सीधी साइड पे यहाँ पहुंचूंगी ना सिलाई पे वापस, तो यहाँ पे हम एक बटन होल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि एक हमने ये बनाया है और एक हम यहाँ पे बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये रेडी हो गया हमारा ये हाफ स्वेटर। और आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए गले में ना मैंने तीन लाइनें जो हैं ये बनाई हैं। ये देखिए तीन लाइनें मैंने यहाँ पे बना ली हैं। बटन अभी लगाने हैं लेकिन मैंने वैसे ही रख के दिखा दिए। इसके साथ ये कलर अच्छा लग रहा था तो मैं ये वाला लगा रही हूँ। और अगर देखती हूँ अगर सेम टू सेम लगाने होंगे तो वो लगा लूँगी, पर ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं इसके साथ इसको ही लगाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने यहाँ पे उल्टे उल्टे फंदों की जो है ना ये तीन लाइनें यहाँ पे डाली हैं, यानी दो चार और छह सिलाइयाँ इस तरह से डाली हैं, दो और चार सीधी सीधी सिलाइयाँ बीच में चार डाली हैं। और यहाँ पे देखिए उल्टी सिलाई से ही हमने इसको बंद किया है। ये देखिए उल्टी साइड से हमने इसको बंद किया है, तो आप भी इसी तरह से इसको बंद करें ऊपर से, ताकि ये आपकी इसकी फिनिशिंग जो है ना अच्छे से आए। और ये देखिए कंधे की भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग आ गई है, ये देखिए इस तरह से। और इसका मेजरमेंट मैं आपको दे देती हूँ कि इसकी लेंथ वगैरह कितनी हमारी ये आई है लेंथ और चेस्ट से। तो इसकी टोटल लेंथ देखिए ये है 17 इंच, यानी 17 इंच यहाँ पे इसकी लेंथ आई है। और यहाँ से देखिए ये 13.5 इंच जो है इसकी यहाँ से चेस्ट से है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और इसका गला जो है ना डीप यहाँ से देखिए 2.5 इंच का है इसका गला। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, और ये कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताएं। तो अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू।